नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सेट पैटर्न के होते हैं दोस्तों जो प्रश्न, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, जिन प्रश्नों को दोस्तों आप एक्स मान के सॉल्व करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैसे दोस्तों बिना पेन उठाए इसको सॉल्व किया जाता है, तो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स मान के सॉल्व करते हैं, और एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 मिनट लग जाएगा, और बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो समझिएगा, पहले प्रश्न समझ लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। गेहूं और जौ का दोस्तों क्या है, मिश्रण है। गेहूं एक प्रकार का अनाज होता है, उसी प्रकार से जौ भी एक प्रकार का अनाज होता है, दोनों का क्या है दोस्तों, मिश्रण है। मिश्रण किसी भी चीज का हो, ठीक है, प्रश्न का पैटर्न यही रहेगा पेपर में। ठीक है, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% क्या है दोस्तों, गेहूं है, और कह रहा है उस मिश्रण के 12 क्विंटल है, ठीक है, 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85 हो जाए। पहले गेहूं का प्रतिशत दोस्तों क्या है, 80% है, अब कह रहा है कि कितनी गेहूं और मिला दी जाए कि 85% हो जाए। टोटल दोस्तों मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण कितना है, टोटल है 12 क्विंटल, ठीक है, 12 क्विंटल है, समझिएगा। और कितना करना है दोस्तों, 80 से कितना करना है, 85 करना है, यानी कितनी की वृद्धि करनी है परसेंटेज में, 5 की, तो 12 × 5, ठीक है, 12 क्विंटल × 5 लिखा कैसे जाता है समझिएगा, ठीक है, 12 × 5, 5 क्यों लिखे दोस्तों, 80% गेहूं है, करना कितना है 85, तो 5% की वृद्धि करना है, 12 × 5, और बटे में क्या लिखते हैं दोस्तों, 100 माइनस नई मात्रा, 100 माइनस नई मात्रा मतलब 85% क्या है करना है, तो 100 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, 100 में से इस 85 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा, बस इतना ही लिखना होता है, ज्यादा कुछ नहीं, इसे आप ओरल कर सकते हैं, समझिएगा। देखिएगा, 12 क्विंटल टोटल मिश्रण है, और कितना उसमें दोस्तों है गेहूं, पहले 80% है, और करना क्या है दोस्तों, उसमें 85% करना है, कितने की वृद्धि करना है, 5 को, ठीक है, यानी परसेंटेज में 5% की वृद्धि करना है, तो 12 × 5 लिखेंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, 100 माइनस नई मात्रा, नई मात्रा मतलब गेहूं का प्रतिशत क्या हो जाए, 85, तो 100 में से 85 घटाएंगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, बस इसी को घटा लेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा कि कितना क्विंटल और गेहूं मिलाई जाए। ठीक है, देखिए 5 से 15 कटेगा तो कितने बार में, 3 बार में, 3 से ये 12 कटेगा कितने बार में, 4 बार में। ठीक है, तो ये दोस्तों मिलाई जाने वाली गेहूं की जो मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 क्विंटल हो जाएगा। 4 क्विंटल किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझिएगा, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है, टोटल मात्रा क्या है दोस्तों, 12 है, 80 से कितना करना है, 85, तो 12 × 5, ठीक है, और उसके बाद से क्या करते हैं दोस्तों, 100 में से ये 85 को घटा देते हैं जो नई मात्रा है, 100 में से 85 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15, तो उसी को बटा में 15 लिख देते हैं, और इसी को कटा लेते हैं, 5 × 15 और 3 × 4 = 12, मिलाई जाने वाली मात्रा हो जाएगी 4 क्विंटल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या दोस्तों, आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिना पेन उठाए भी आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाभानी से है, और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यह चीज कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न समझिए, थोड़ा सा प्रश्न को समझा देना दे रहा हूं, उसके बाद समझ जाएंगे तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक व्यक्ति है दोस्तों, किसी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, और कह रहा है यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे लाभ 18% का होता। ठीक है, ऊपर और पूछ रहा है दोस्तों, व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यानी उस
जो वस्तु को व्यक्ति खरीदा था शुरू में उसका क्रय मूल्य क्या था, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितने रुपए में खरीदी थी, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 15% लाभ पर बेचता है कह रहे ना, उसके बाद कह रहे हैं 18% लाभ होता, कब होता, जब उसको 6 रुपए अधिक पर बेचता। कहने का मतलब यही है, समझिएगा पूरे प्रश्न का मतलब यही है। पहले 15% लाभ पर बेचता है, अब कह रहा है कि 6 रुपए अधिक पर बेचता, बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, यानी कि परसेंटेज में कितने रुपए अधिक पे बेचा होता दोस्तों, 15 से 18, यानी कि 3% अधिक पे बेचा होता तो कितने रुपए का लाभ होता, 6 रुपए का लाभ होता। तो यही दोस्तों 3% बराबर 6 रुपए, समझिएगा 3% बराबर 6 रुपए। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6/3, 6/3 का मतलब क्या, 2 रुपए। ठीक है, 1% 3% बराबर 6 रुपए, तो 1% बराबर क्या होगा, 6/3 यानी कि 2 रुपए। 1% बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1% बराबर हो गया 2 रुपए। अब कह रहा है व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो व्यक्ति का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है, 100%। तो 100% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, 100% बराबर हो जाएगा 100 × 2, 1% बराबर 2 रुपए, तो 100% बराबर क्या, 200 रुपए। 100 × 2 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 रुपए। तो वह व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 200 रुपए में। 200 रुपए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब समझिएगा बिना पेन उठाए कैसे, पहले 15% लाभ पे बेचता है और कह रहा है 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ हो जाता, परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, 3% बराबर 6 रुपए, तो 1% बराबर 2 रुपए, और 100% बराबर 200 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। अगर जो एक्स मान के सॉल्व करते दोस्तों तो 3 से 4 मिनट इसको लगना ही है। ठीक है, तो एक्स मान के कभी नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इसी बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न को दिया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर दोस्तों कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर जो एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, बिना एक्स माने सॉल्व करना है, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, और 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है एक वस्तु की निर्माण लागत 800 रुपए थी, एक व्यापारी उस पर 20% छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा प्रश्न कह रहा है एक वस्तु का निर्माण लागत मूल्य क्या है, दोस्तों निर्माण लागत 800 रुपए, यानी जो वस्तु बनाने में जो रुपए लगा है वो 800 रुपए लगा है। ठीक है, वस्तु को बनाने में कितना रुपए लगा है, 800, और जो व्यापारी है कह रहे ना एक व्यापारी उस पर 20% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, यानी कि वो ऐसा अंकित मूल्य तय करना चाहता है, यानी कि उस पे जो मार्क प्राइस है ना दोस्तों, मार्क जो रुपए करेगा उस पे जो लिखा रहता है ना आरएस मार्क प्राइस, ठीक है, वो ऐसा तय करना चाहता है कि वो उस पे 20% की छूट भी दे तब भी उसे 25% का
लाभ हो, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, यानी अंकित मूल्य का मतलब जो मार्क प्राइस है वो कितना रखेगी दोस्तों, 20% छूट भी दे दे तब भी उसे 800 रुपए पे क्या हो जाए दोस्तों, 25% का लाभ हो जाए, ये चीज कह रहा है। तो इसके लिए दोस्तों देखिएगा बिना एक्स माने कैसे सॉल्व किया जाता है, कितने रुपए दोस्तों निर्माण लागत है 800 रुपए, तो हम लिखेंगे 800 गुणे, ठीक है। अब देखिए क्या करना चाहते हैं दोस्तों, 20% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहते हैं, 25% लाभ को कैसे लिखते हैं, 125, ठीक है, देखिएगा 125/100 लिखते हैं और 20% छूट को क्या लिखते हैं दोस्तों, 80/100 लिखते हैं। लाभ को हमेशा दोस्तों 100 से जोड़ के लिखा जाता है और छूट को हमेशा 100 से घटा के लिखा जाता है, ये आपको पहले भी समझाओ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, देखिएगा क्या लिखेंगे, 25% लाभ को क्या लिखेंगे 125 और बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों 20% छूट, ठीक है। 20% छूट को 100 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25% लाभ को तो हम 100 में जोड़ दिए 125 हो गया, और 20% छूट को 100 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बस इतना ही किया जाता है और इसका तुरंत आंसर मिल जाता है बिना एक्स वाई माने, ठीक है। तो 80 से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये 80 दहा में 800 हो जाएगा, ठीक है, 80 दहा में 800 और 10 गुणे 125 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1250, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 125 दहा में 1250, 1250 कह लीजिए या 1250 कह लीजिए, क्या है दोस्तों 1250, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों जो अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस होगा, वो कितना होगा 1250 रुपए, 1250 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, समझिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों जो व्यापारी है 1250 रुपए रख दे और इस पे 20% की छूट भी दे दे तब भी क्या होगा दोस्तों, उसे 25% का लाभ होगा, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 1250। कैसे सॉल्व किया दोस्तों, 800 गुणे 125/80, बस इतना ही किया जाता है। आप चाहें तो दोस्तों इसे बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार और समझाता हूं, समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। 800 रुपए थी दोस्तों निर्माण लागत मूल्य, ठीक है, तो इसे क्या देखिएगा, निर्माण लागत क्या थी 800, तो 800 गुणे क्या करेंगे दोस्तों, 25% का लाभ लेना चाहता है तो 125 और 20% की छूट दे रहा है, ठीक है, तो 20% की छूट को क्या लिखते हैं 100 से घटा देंगे तो 80, 80 दहा में क्या हो जाएगा दोस्तों 800 और 10 गुणे 125 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1250, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 1250 रुपये हो जाएगा। अगर जो अंकित मूल्य 1250 कर दे और 20% की इस पे छूट भी दे दे तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, 20% की छूट देंगे तो 1250 को क्या करेंगे 20% छूट यानी 80/100 कर लेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 125 गुणे 8 1000 हो जाएगा, फिर 1000 में क्या करेंगे आप देखेंगे कितने का लाभ हो रहा है, 800 से 1000 हो गया यानी 200 रुपए का लाभ होने लगेगा, 200 रुपए क्या हो जाएगा 200/8 यानी 25% का लाभ होने लगेगा। आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, लेकिन इतना आपको नहीं करना है, आप ओरल ही कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। लाभ को क्या करते हैं 100 से जोड़ के लिखते हैं और जो छूट होता है या हानि होता है उसको क्या करते हैं दोस्तों 100 से घटा के लिखते हैं, बस इतना ही करना है। 800 गुणे 125/80 इस टाइप का प्रश्न आए तो बस इतना ही करिए और इतना ही करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर मिल जाएगा 1250 यानी कि 1250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में कभी भी आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहाँ पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के वहाँ जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ है यहां पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों स्टेप से बना हुआ है यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों यहां पर आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ऐसे दिखने लगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।